इतिहास के बीते दिनों में तो हम पीछे नहीं लौट सकते, पर हम ये तो देख सकते हैं कि हमने अपनी यात्रा कहां से शुरू की और कहां तक पहुंचे हैं। बिहार ने विश्व सभ्यता को पहला गणतंत्र तो दिया ही, विदेह राज जनक के रूप में पहला दार्शनिक राजा भी दिया। ये भी विश्व सभ्यता में एक अद्भुत उदाहरण है कि जिस बिहार में आस्तिक दर्शन का सूत्रपात हुआ, उसी भूमि पर जैन एवं बौद्ध जैसे अन्य दर्शनों का भी सूत्रपात हुआ। बिहार के ऋषि विश्वामित्र ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तत्कालीन संकीर्ण और रूढ़ मानसिकता से ऊपर उठाकर एक नई चेतना दी। विश्वामित्र ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के रचयिता थे। उनका आश्रम आज के बक्सर जिले में स्थित था। राम और लक्ष्मण को लेकर उत्तर बिहार में स्थित विदेह की सीता से मिलाने का काम विश्वामित्र ने ही किया। बात करते हैं पाटलिपुत्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित उस जगह की जिसे आज तरेगना कहते हैं। 5वीं सदी में खगोल एवं गणित के प्रकांड पंडित आर्यभट्ट तारों को गिन रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गुत्थी सुलझा रहे हैं, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की घोषणा कर रहे हैं और उसकी परिधि नाप रहे हैं। मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ जैसे कई पवित्र स्थलों का विकास हो रहा था और इस इलाके में इतने विहार बने हुए थे कि मुगल शासन काल में पूरे प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। नालंदा विक्रमशिला भले जला दिए गए हों, फिर भी गलियों की रागिनी जिंदा थी। बिहार की माटी में इतनी उर्वरता है कि 14वीं शताब्दी में ही पुनर्जागरण के लक्षण विद्यापति में आ गए। संस्कृत अब पोथी की चीज हो गई थी। लोक भाषा के कवि विद्यापति पूरे पूर्वांचल में छा गए। चल चल पटना में होगी।